ठीक है, वन ऑफ़ द एक्सप्रेशन वाज़ वॉज इन टुडे'स लेक्चर वाज़ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट जस्ट एज कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एन इंडक्टर इज आल्सो एबल टू स्टोर एनर्जी बेसिकली इंडक्टर इज मेड आउट ऑफ कॉपर की कॉयल से ही वो बनता है कॉपर की वायर से उसको हम बनाते हैं ठीक है तो उसको कॉल करते हैं कॉल मीन यू गिव इट सर्टन टर्न्स एंड देर आर प्रॉपर डिजाइन फीचर्स प्रॉपरली डिजाइन करके एम क्या होता है इसका इंडक्टर का एम इज टू प्रोवाइड अ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और बेसिकली इंडक्टेंसेस का रोल या इंडक्टर्स का रोल एसी सर्किट्स में नजर आता है कैन बी सीन

तो अगर इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो इसमें इंड्यूस्ड टीएमएफ नहीं आएगी नो इंडस्ड टीएम इंड्यूसडीएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ करंट इज कॉन्स्टेंट देन इंड्यूस टीएमएफ इज जीरो बट इंडक्टर में अगर कॉन्स्टेंट करंट भी फ्लो कर रहा है इफ अ सर्टे कॉन्स्टेंट करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर सपोज इसमें से करंट फ्लो कर रहा आई तो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड कन्फिग्रेशन में एनर्जी होती है अंडरस्टूड द मैग्नेटिक फील्ड कन्फिग्रेशन इज सेट टू स्टोर एनर्जी और ये एक्सप्रेशन डिराइव किया उसकी डेरिवेशन आप देख सकते हो उसमें से नोट्स में भी दी हुई है आपके ये वाला डिस्कशन हुआ था बेटा एनर्जी स्टोर एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक व्हेन वी डिड फॉर कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स में हमने क्या किया था कैपेसिटर में हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर कैपेसिटर की प्लेट एरिया ए और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है स्मॉल डी तो वॉल्यूम इन विच द फील्ड एग्जिस्ट इज ए टू डी वॉल्यूम वो स्पेस ठीक है जो जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो वॉल्यूम इतनी आ रही है और इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी सेव्ड है हाफ सी वी स्क्वायर और सी कितना आएगा एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी और ये वी स्क्वायर अब अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो इसको कई बार U स्मॉल U E से नोट करते हैं स्मॉल U स्टैंड एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इसको ए डी से डिवाइड करना है तो ये ए ए कैंसिल हो जाता है ये नीचे डी स्क्र आएगा और ये वोल्टेज है प्लेट्स के बीच में तो ये वाली फॉर्म आ जाती है इन द सेम वे अगर आपके पास एक सोलनॉयड है और उसमें से कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें से कॉन्स्टेंट करंट चल रहा है ऐसे करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट आई

मैग्नेटिक फील्ड तो ये सारी चीजें आपको लेक्चर में बताई होंगी डिड वी डिराइव दी एनर्जी फॉर स्मॉल यू बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किया होगा हमने उसमें डिराइव ठीक है बस वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की एक्सप्रेशन ये आती है म्यू जीरो इन बी स्क्र अपॉन टू ठीक है आफ्टर वी अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज कि ऐसी कोई एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई लाइट इज सपोज टू बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट व्हाई लाइट इज सपोज टू बी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यह हमें समझ में आएगा चलिए अब एक जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं अभी ठीक okay? है दिस क्वेश्चन हेज नॉट बीन डिस्कस देखो बच्चों ने मुझे दो डाउट्स भेजे हैं एक तो सिक्स पॉइंट सिक्स है बैक एक्सरसाइज में एक नॉट बिलोंग टू दिस इट बिलोंग्स टू द नेक्स्टर विच इज ऑल्टरनेटिंग करंटो इट बिलोंग्स टू दैक्स चैप्टर बट यू कैन स्टिल डू इट टूमेरी इजीली कल मुझे कुछ करानी ही नहीं पड़ेगी आपको ये कल हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आज जो लेक्चर भेजा जाएगा उसमें ये फॉर्मूला डिराइव होगा अत्यंत सरल फॉर्मूला है आप लोगों को आइडिया नहीं है ये क्या फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला बेटा ये आज वाले लेक्चर में डिराइव होगा तो आप उसको देखना दिस इज द फॉर्मूला विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसी फॉर जनरेटर्स इन आर होम्स टू प्रोड्यूस ई एम एफ ये EMF है जो जनरेटर हम लोग घरों में पार्टीज में यूज करते हैं स्कूल में लाइट चली जाती है या गवर्नमेंट अपने लगा के रखती है वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं और यही फॉर्मूले से सिक्स होगा और ये आज जो फर्स्ट लेक्चर आएगा ए सी का उसमें डिस्कस होगा सिक्स पॉइंट वन टू इज अन से ना एक वो फ्रेंच टर्म है ना ठीक है इट इज अस टू इज फोर्स ठीक है means it is a problem which is something special ठीक है तो इसको आपको एक बार देखना ही पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाएगा तो मैं एक बार आपको सिक्स पॉइंट वन टू का डिस्कशन देता हूँ और जिन लोगों ने सिक्स पॉइंट वन टू नहीं पढ़ा तो उनके लिए बड़ा दुखद टाइम है क्योंकि अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा इट इज़ जस्ट शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू तो यू शूड है ट्रूली अप्रिशिएट वट इज गोइंग ऑन तो इसका एक सोल्यूशन बहुत समय पहले मैंने बना के रखा था क्योंकि बुक्स में इसका सोल्यूशन दिया नहीं हुआ सही आप एक बार पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा है सिक्स पॉइंट वन टू वो पढ़ लो फाइव मिनट्स दे रहा हूं आपको जिन्होंने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है आप एक डायग्राम बना लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करें जिन्होंने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है सबने पढ़ लिया तो दो तीन मिनट का वैसे ही ब्रेक कर लो और देख लो टफ है तो इनकेस यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम

और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ठीक है और एक स्क्वेयर लूप आपको दिया हुआ है ऐसे ये एक स्क्वेयर लूप है कंडक्टिंग वायर का स्क्वेयर लूप ठीक है अब इस स्क्वेयर लूप को मूव करेंगे पढ़ा था आपने क्वेश्चन पढ़ा था देखो स्क्वेयर लूप

इट इज कॉन्स्टेंट नाइर इन स्पेस नॉर इन टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है स्पेस में भी कॉन्स्टेंट नहीं है टाइम में भी नहीं है तो वेन इट इज सेट दैट फील्ड इज नाइर कॉन्स्टेंट इन स्पेस नॉर इन टाइम वट इज दैट मीन तो पहले हम एक टाइम की बात करते हैं एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लो जब घड़ी में नौ बज के बारह मिनट तीस सेकेंड हुए उस टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें दिया है कि फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म इन स्पेस मतलब मान लो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है हम टॉक करके नेगेटिव एक्सिस की तरफ गए तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा है हम यहाँ से थोड़ा सा और इधर गए तो फील्ड और ज्यादा है समझे और यहाँ से गए आगे पॉजिटिव एक्सेस तो फील्ड कम हो गई तो ये एक ही टाइम की बात है एक टाइम पर एक टाइम के ऊपर यहाँ पे कुछ फील्ड है टेस्ला में यहां पे कुछ फील्ड है टेस्ला में यहां पे कुछ टेस्ला में यहां पे कुछ टेस्ला में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें मैंने करली इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने डी यूज नहीं किया वो भी कर सकते हैं इसमें एक्चुअली दो वेरिएबल्स हैं एक्स और टी दोनों आ जाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई बता सकता है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में वेरी गुड डियर शाबाश क्योंकि इसके अंदर जब हम इसको लिख रहे हैं ना तो मतलब यह है कि अगर मान लो डीएक्स पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एक्सेट वन मीटर और हम यहाँ से चले गए मीटर पर तो dx तो पॉजिटिव हो गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो गई ठीक है तो अगर हमने इसको टेन टू दार माइनस थ्री टेस्ला पर मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया देख लेना ठीक है ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम यहाँ हंड्रेड कर देंगे तो ये और हो जाएगा है ना सेंटीमीटर तो ज्यादा हो जाएगा है ना मीटर में तो ज्यादा हो जाएगा तो ये आ जाएगा इतना मीटर्स में इतना आ जाएगा ठीक है तो अब इसमें देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक क्षण की बात है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां पे कम है यहां ज्यादा हो गई या और ज्यादा होगी या और ज्यादा होगी और ये ग्रेडियंट है रेट ऑफ चेंज लेकिन इसमें एक और बात दी है अब हमें इधर उधर नहीं जाना हम एक ही जगह खड़े होंगे कहाँ खड़े होना चाहते हैं बताओ कहीं भी खड़े हो जाओ या यहां खड़े हो जाओ या यहां तो मैं यहां खड़ा हो जाता हूं अब मैं टाइम को चेंज करूंगा अब यहां पर मान लो जीरो टाइम पर इतनी फील्ड थी अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं यहां की फील्ड थोड़ी देर बाद और ज्यादा आ जाएगी थोड़ी देर बाद और ज्यादा आ जाएगी मतलब द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एक पर्टिकुलर बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कर ली तो इसलिए लगा रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं एक्स और टी नहीं तो ना लगाओ

और टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी उतनी थी यहाँ भी उतनी थी यहाँ भी उतनी थी यहाँ भी उतनी थी और हर जगह एक सेकंड में एक जितने अमाउंट से बढ़ेगी वो और जो लूप है उसको एक जगह पे रख दो मूव भी ना करो अब इसमें दो काम हो रहे हैं एक तो लूप को अगर हम एक जगह पे भी रखेंगे तो भी उसमें से फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस टी एफ आएगी लेकिन इसमें जब लूप मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के क्रॉस कट कर रही है सो हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट अपीयर्स इम्पॉसिबल हाउलिएबल्स आई टोल्ड यू यूजली वी डू इट लाइव इन दी क्लास ओनली बट देन बिकॉज वी आर गोइंग असो आईड थाट आई विल पुल आउट समल्यूशन विच आई मेड अ लॉन्ग टाइम बैक ठीक है ऐसे ये है बेटा वो तो अब आप, आप इसको देखो इसी में से हम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज बींग गिवन टू बस सम ऑफ थिंग्स माइट बी रॉन्ग हेर एंड देयर इन दी सोल्यूशन सो यू जस्ट टेल मी वट दो आर जिसमें रॉन्ग है पहले आप सबसे ऊपर पढ़ो क्या दिया हुआ है ये डेटा दिया हुआ है बेटा एट एनी गिवन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ये तो कई ये तो करेक्ट है इसमें तो कोई गलती नहीं है ठीक है किसी भी गिवन पोजीशन पर और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है ये आना आना चाहिए, आना चाहिए बताना में देखकर कम होती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर है yes, फिर तो माइनस ठीक है लूप को हमने v से दिखा दिया side of the loop को मैंने ए से दिखा दिया ये 12 सेंटीमीटर्स है ये मिली ओम्स है तो इसको भी हम फोर पॉइंट फाइव जीरो करके टेन की पार माइनस थ्री कर देंगे ठीक है लेकिन इसको भी हम आर से दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि मान लो जीरो टाइम के ऊपर लूप कहाँ है तो हमें तो बताया नहीं कहाँ पर है लूप जीरो टाइम पर बस हमें दिया ही है कि इसकी जो साइड है वो एक साइड वाई एक्सिस को पैरेलल है और एक साइड एक्स एक्सिस को पैरल है यही बताया अपने को नहीं ये नहीं बताया कि लूप को शुरू कहां से किया तो मान लो जीरो टाइम के ऊपर लूप एक्सिस से डिस्टेंस पर है, X की वैल्यू अपने को दी नहीं हुई साइड ए दी हुई है बारह सेंटीमीटर इस लूप की वेलोसिटी दी हुई है इस तरफ तो अब टी टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा ये वाली जो ए बी साइड है लूप की ये आगे खिसक जाएगी एक्स जीरो में कितना परिवर्तन आएगा बिकॉज इन टी टाइम इट विल मूव अस वी टी सो एक्स जीरो प्लस वी टी आ जाएगी करेक्ट और नॉट ठीक है इट इज करेक्ट और जो दूसरी साइड होगी वो कहां तक पहुंच जाएगी एक्स जीरो प्लस वी टी प्लस ए तक पहुंच जाएगी ठीक है ये फिगर्स आप बना लो बना लो इनको दोनों को बना लो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको फिर रह जाएंगे बना लो आई गॉट दी आइडिया एल सेंड यू इन ग्रुप ओनली ठीक है अब आप आगे देखो बेटा क्या दिया है इसमें आगे आपको दिया है देखो यहां पे मैंने बी जीरो दिखाया है इसमें रहा है आपको देखो जो ये वाला पॉइंट है जेड एक्सिस पर यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है जीरो एक्स कोऑर्डिनेट है जीरो और जीरो टाइम के ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो टाइम इज इक्वल टू सम वैल्यू अब यहां की मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट की टी टाइम पर इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है ना देखना लेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ठीक है एट जीरो टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्स कोज बी जीरो ठीक है एक तो ये चीज है थोड़ी देर के बाद यहां की फील्ड कितनी हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम इंटरवल मतलब इसी यही वाली फील्ड टी टाइम के ऊपर टी टाइम के ऊपर कितनी हो जाएगी जो पहले जीरो टाइम वाली वैल्यू थी उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम इनटू टाइम टेकन यही होता है ना ये वेलोसिटी की तरह से है ये डिस्टेंस है सॉरी टाइम है वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस वो सही है बस तो फील्ड पर सेकंड इतने अमाउंट से चेंज कर दिया पर सेकंड फील्ड इतने अमाउंट से चेंज कर तो टी टाइम में इतनी चेंज हो जाएगा और यहां पे जो वैल्यू होगी प्लस तो अभी माइनस तो आ जाएगा बाद में जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे एक तो ये दूसरी चीज आप देखो हम जीरो टाइम की बात करते हैं जीरो टाइम की ही बात कर लो जीरो टाइम की बात करने का मतलब है कि मान लो हम यहां पर आ गए तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो टाइम पर ऊपर वाला ले लो नीचे वाला ले लो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी कम आएगी तो बी जीरो प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एक्स कोऑर्डिनेट इनटू x, एक्स एक्स है इसका डिस्टेंस ये ये एक्स है अब ये भी नेगेटिव वैल्यू है आपको so तो हमने क्या बात की है ठीक है ये पढ़ो

मान लो इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट है एक्स तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू दिस की वैल्यू है नेगेटिव तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ये यह यहाँ पे पुट कर दी अब हमने क्या बात की अब इसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो टाइम पर देखो कितनी आ रही है बी जीरो माइनस ये टेन की पार माइनस वन है ये टेन की पार माइनस वन है इंटू एक्स ये जिस पॉइंट का एकस एकस है, वहाँ पे जीरो टाइम की फील्ड है तो टी टाइम की फील्ड इस वैल्यू से ज्यादा आ जाएगी या कम टी टाइम पे फील्ड इससे कम ही आएगी मतलब उसमें ये चीज डी बी बाई डी टी इंटू डी टी ये हो जाएगा जीरो टाइम की फील्ड में तो ये बी एक्स टी आ जाएगा मतलब टाइम की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स कॉर्डनेट एट टी टाइम जो जीरो टाइम वाली फील्ड थी उसी पॉइंट पर जीरो टाइम वाली फील्ड उसमें ये और ऐड हो जाएगा लेकिन ये वैल्यू आपको इतनी दी हुई है तो आपके पास ये आ जाएगा तो अब ये बी एक्स टी आ गया ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे जरूरी है आप देखो आई नो इट इज हार्ड आई विल सेंड दोल्यूशन ठीक है लेट एट एनी हां तो अब हम क्या करेंगे अब हम इस फिगर को देखेंगे ये देख रही है आपको ये वाली फिगर ये टी टाइम की फिगर है टी टाइम पे डिस्टेंस हो गया होगा इतना इस एज का ए बी का ठीक है आ गया बेटा समझ में ये t टाइम के ऊपर इसका डिस्टेंस ये वाली चीज बढ़कर इतनी हो गई दूसरी साइड का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है वो इसमें a कर दिया बस दूसरी ये वाली का। अब हम ये कौन सा प्लेन है वाई जेड प्लेन वाई जेड प्लेन से अगर हम x डिस्टेंस पर जाकर एक पतली सी स्ट्रिप लें dx विड्थ की तो एट एनी टाइम टी ये टी टाइम की सिचुएशन है टी टाइम के ऊपर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें लिख दिया हमने अभी हमने लिखा था ना बी एक्स टी बी जीरो माइनस जो भी आया था टू दाइनस वन इंट एक्स माइनस टेन टू दाइनस वन इंट टी ऐसा कुछ आया था ना ठीक है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पर इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये ये वैल्यू आएगी टेन की पार माइनस थ्री लिखा हुआ है इसमें आपकी बुक में टेन की पार माइनस वन है या थ्री देख लेना ठीक है अब हम क्या करेंगे क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना होता है हमें अगर हमें इस लूप में से इंड्यूस्ड टीएमएफ निकालनी है तो हमें क्या करना है हम फ्लक्स निकालेंगे टी टाइम के ऊपर फ्लक्स निकलेगा ये जो स्ट्रिप है थी? ये जो स्ट्रिप ली हुई है इसके ऊपर कितना फ्लक्स आ जाएगा बताओ b इंटू एक्स क्योंकि इस साइड को हमने कितना लिया हुआ है देखो a लिया हुआ है ना साइड ऑफ द स्क्वायर को साइड ऑफ द स्क्वायर को हमने a लिया हुआ है और ये dx है ये a है तो ए इंटू डी एक्स इज स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाई बी स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस स्मॉल स्ट्रिप और इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा टी टाइम का देखना ये आया ठीक है तो ये आपके पास इसको इंटीग्रेट करना है पूरे लूप पर तो इसको अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो गया ये, है इसमें देखो आप ये सारी टर्म्स आ तो मल्टीप्लाई करके लिखा है अब बी जीरो इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ डीएक्स का मतलब है एक्स को हमें यहां से यहां तक चेंज करना है इंटीग्रेट करना ना, यहां से यहां तक यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिमिट्स आएंगी। ठीक है तो लिमिट्स में से लेंथ सिर्फ निकल के आएगी ए समझे आपको फर्स्ट पार्ट पे लेंथ कितनी निकल के आएगी इस इंटीग्रल को करोगे तो लिमिट्स ये लिखनी है एक्स जीरो प्लस वी टी से लेकर एक्स जीरो प्लस वी टी प्लस ए तक तो बी जीरो इंटू ए तो कॉन्स्टेंट या इंटीग्रल डी आया अब इंटीग्रल डीएक्स कितना हो गया एक्स हो गया और एक्स में ये लिमिट्स लगाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए बचा कितना ए तो ये ए स्क्वायर बन गया ठीक है ना तो अब ऐसी नेक्स्ट टर्म देखनी है ये इसमें ये दोनों कांस्टेंट है टेन की पावर माइनस वन और ए ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू इसके अंदर t कांस्टेंट है अब आप कहोगे t तो वेरिएबल होता है लेकिन हम फ्लक्स एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाल रहे हैं उसमें टाइम एक पर्टिकुलर वैल्यू रखेगा तो ये दोनों कांस्टेंट है इसमें टेन टू तो दर माइनस थ्री बी और टी बी तो इनको हम टेन टू दाइनस टी और ए इनको बाहर लिख देंगे और ये इंटीग्रेट करना है बस आपको आगे बिल्कुल सिंपल है आपको ये इंटीग्रेशन करनी है ठीक है इसका इंटीग्रल आया ए इसका कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटिग्रल कर दोगे ये आ गया ए स्क्वायर बाई टू और लास्ट वाले में क्या आएगा लिमिट्स ही लगानी है आपको लगा के देख लेना आप क्या लिमिट्स लगती हैं ठीक है ना इसके अंदर क्या आएगा एक्स स्क्र बाई टू बिटवीन द लिमिट्स एक्स जीरो प्लस वी टी एक्स जीरो प्लस वी टी प्लस ए अब ये लिमिट्स आप इसमें पुट करोगे तो एक्स जीरो प्लस वी टी प्लस ए का होल स्क्वायर में से एक्स जीरो प्लस वी टी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा अब इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो एक्स जीरो प्लस बी टी तो खत्म हो गया ए स्क्वायर आया प्लस टू ए एक्स जीरो प्लस वी टी ये बना यही बना अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ये सब इसमें दिया हुआ है टू एक्स जीरो ना ये टू ए एक्स जीरो इसमें भी आ रहा है ठीक है और लास्ट वाली टर्म में देखो आप क्या आ रहा है लास्ट वाली टर्म में तो सिर्फ ए आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करके तो ए आ जाएगा तो इसके साथ पहले से क्या है पहले से यह टेन की पार माइनस थ्री ए और टी है तो ए स्क्वायर बन जाएगा ये ए स्क्वायर बन गया अब ये तो फ्लक्स आया इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये कांस्टेंट टर्म है खत्म हो गई कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई एक्सरोज ऑल्सो सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू खत्म हो गई ये वेरिएबल टर्म्स टर्मी नहीं 2AV, 2AV minus 10 पार ये ये चीज ठीक है और इसमें वी ए आया ये देख लेना आप इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है अब आपको तो मतलब इसके अंदर ये ए की वैल्यू दी हुई है वी की वैल्यू दी है टू की वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना आपको डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंड्यूस टीएमएफ आ जाएगी ये अब आगे इसमें जब आप वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करोगे तो पक्का आंसर आ जाएगा अंडरस्टूड अब एनसीआरटी में भी एक सोल्यूशन दिया हुआ है वो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है एक्चुअली ये फॉर्मूला तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मैं ये भेज दूंगा आपके पास सोल्यूशन आप अभी क्लास के इमीजिएटली बाद आप एक बार लिख लेना आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में किसी में नहीं आएगा मेथड पता होना चाहिए एनसीआर का सोल्यूशन दिखाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा ये बहुत डैम टू डैम हार्ड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन सेंड यू अर लेक्चर ये देखना बेटा ये कहते हैं ना ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट एरर्स वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं नहीं? ये फॉर्मूला इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं आई में ऐसे और अगर एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है तो हम लिखते हैं डी एच अपॉन एच इज डी अपॉन आई प्लस डी आर अपॉन आर प्लस डी टी अपन टी ऐसा कुछ बनता है बनता कि नहीं तो दिस इज ऑन रिकॉर्डिंग जो मैंने लास्ट ईयर की थी कि फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं तो मैंने तब एक रिजल्ट बताया था कि जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूं जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है समझ में आपको एक्स वाई जेड का फंक्शन है मतलब जैसे टू एक्स 2y प्लस ये एक्स और वाई पर डिपेंड करता है तो देन एक रूल है इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोलते हैं इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो एफ है टू एक्सक्र वाई प्लस टू अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है जिसको ऐसे पढ़ा जाता है करली करली तो ये कैसे निकलता है इसका जब आपको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव निकालना है तो वैसे तो वाई और जेड वेरिएबल्स हैं लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय वाई और जेड को कॉन्स्टेंट मानना है सिर्फ एक्स को वेरिएबल मानना है इट इज डिफरेंट फ्रॉम डी एफ बाई डी एक्स इन स्ट्रिक्ट टर्म्स डी एफ बाई डी एक्स में वाई और जेड भी वेरी करेंगे यहां भी product rule लगेगा, यहां भी product rule लगेगा। तो ये ये आपको पता होना चाहिए कि partial derivative of F with respect to X. अब important क्या है? एनसीआरटी वालों ने पीछे इसको यूज किया हुआ है। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विदेक्टू एक्स है एन वालों ने ये फॉर्मूला यूज कर दिया मुझे नहीं पता क्यों किया तभी मुझे वो लेंथी सोल्यूशन लाना पड़ा ये अब इसको अगर हम दोनों तरफ टाइम के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ डी आ जाएगा यहाँ डी आ जाएगा बट वहां पर एन सी में थर्ड टर्म यूज नहीं हुई है वहां पे आपको है कि बी एक्स टी मैगनेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एक्स देखना बेटा ये एक्स बाईड एक्सिस थी उस क्वेश्चन में तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर चले जाए स्पेस में जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो वहां पे टी टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स पे और टी पे दोनों का फंक्शन है तो दैट मींस अ स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना ये चीज तो अ स्मॉल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन डी एक्स इसका कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ ये तो याद करना है आपको ये ऐसे थोड़ा हार्ड है ये टाइम है तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं टाइम से तो ये वन हो जाएगा ये रिजल्ट दिख रहा है आपको ये रिजल्ट ग्रेजुएशन टॉपिक्स में कराते हैं ठीक है डी बी बाई डी टी लूप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है आपको ये भी दिया हुआ है इसका क्या यूज है वो एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा ना समझ में नहीं आपको तो ये डायरेक्ट आ जाएगा इससे आंसर ये एनसीआरटी के अंदर पीछे ऐसे सॉल्व किया हुआ है। ये रहने दो ठीक है ये ये चीज अब Dx Dt आपको दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे क्योंकि फ्लक्स एट एनी टाइम इज मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम एरिया ऑफ द लूप एरिया ऑफ द लूप इज ए ठीक है तो डायरेक्टली इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे नहीं ये इसमें वो इसके अंदर वैल्यू पुट करके आ जाएगी ठीक है द फ्लक्स कटिंग अक्रॉस तो ये आप अब आराम से कर सकते हो लेकिन वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सोल्यूशन अच्छा लगता है मैं तो आपके पास दोनों भेज दूंगा अभी एक के ऊपर स्टिक करना मैं तब तो वो कहूंगा पहले वाला यूज कर लो